नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन इन सिविल इंजीनियरिंग, जो हमें फील्ड में भी काम आएगा और जब हम डिजाइनिंग करते हैं उस समय भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन ध्यान से देखना चाहिए। पहला है फुट। 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर, और हम इसको एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 304.8 mm। दूसरा है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। अक्सर हम साइट पे देखते हैं लेबर होते हैं वो फुट और इंच में ही समझते हैं, और टेक्निकल लोग भी फुट और इंच में ही यूज करते हैं। तीसरा है 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। चौथा है 1 यार्ड इज इक्वल टू 914.4 mm। पांचवा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। छठा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सातवा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ये सब हमारे लेंथ के इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जो आपको याद रखने चाहिए। अब हम देखेंगे वेट के और लोड के इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। चलो देखते हैं। 1 टन इज इक्वल टू 9.964 किलो न्यूटन। दूसरा है 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 101.97 kg। अक्सर हम डिजाइनिंग करते हैं तो किलो न्यूटन में ही हम लोड लेते हैं, पर काफी सारे लोग केजी में भी लोड लेते हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन से किलोमीटर और केजी का जो आपको याद रखना चाहिए। तीसरा है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। चौथा है 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। पांचवा है 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 kg। छठा है 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स थे जो हर सिविल इंजीनियर को डिजाइनिंग में भी और फील्ड में भी बहुत ही काम आएगा। थैंक यू।